Hey guys, मैं हूँ डॉक्टर जीवन और आज बात करेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया में क्या खाना चाहिए और एनीमिया में क्या परहेज करना चाहिए, एनीमिया किससे होता है। देखते हैं आगे इस बारे में। एक स्टडी हुई थी वर्ल्ड में नेशनल फैमिली हेल्थ के थ्रू, उसमें ऐसा डाटा मिला था कि 55 to 60% फीमेल को एनीमिक डेफिशिएंसी होती है। एनीमिक डेफिशिएंसी होती है, इस एनीमिक डेफिशिएंसी क्या होता है एनीमिया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए। एनीमिया क्या होता है, इसके पीछे कौन से रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स रहते हैं, ट्राई टू नो अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, शरीर में आयरन की कमी से क्या होता है, रक्त विकार या खून का उत्पादन कम हो जाता है। किनके, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है ना, वो खून का उत्पादन बहुत ही प्रोडक्शन बहुत ही कम हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इससे लाल रक्त कणिका है ना, वो घट जाती है, जो कि एक प्रोटीन का कार्य करती है। तो उसमें क्या होगा, फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो उससे क्या होगा, शरीर में आयरन की कमी होगी, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन इसमें एक महत्वपूर्ण कंटेंट होता है खून के अंदर, तो उसका रोल ब्लड को में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का रहता है। आयरन की कमी नहीं हो या होने से बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन तो मानव को जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है ना, ये कोरोना में अपन ने बहुत ही अच्छे से देखा था, क्योंकि इसके बिना कहीं पे भी जीवन का सर्वाइवल नहीं हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर किसी भी फीमेल को खून की कमी होती है, तो उसके जो लक्षण होते हैं वो क्या लक्षण होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि कमजोरी महसूस होना, एकदम है ना, शी फीलिंग टायर्डनेस, चक्कर आ जाते हैं, कभी भी कोई मतलब सिम्टम नहीं होता, चक्कर आ जाते हैं, सांस लेने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, सिर दर्द हो सकता है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, और जो धमनियां होती है ना, वेसल्स, वो बहुत ही तेजी से चलती है। तो हाउ टू ओवरकम, इसको कैसे बच सकते हैं, भाई अपने को ये पता चल गया कि भाई ये ऐसा होता है, तो क्या खाने में कुछ चीजें खानी चाहिए, यस डेफिनेटली यू कैन लाइक यूज पालक यूज कर सकते हैं, टमाटर यूज कर सकते हैं, केला यूज कर सकते हैं, किशमिश यूज कर सकते हैं, और कुछ मैं आपको टिप्स दूंगा। टिप्स क्या होंगे, लाइक आपकी दैनिक जो दिनचर्या है उसमें आप क्या चेंजेस कर सकते हैं, आप और क्या खा सकते हैं इनके सिवाय, तो आप आधा आधा कप चुकंदर या सेब का जूस शहद मिलाकर पिए, अनार केला जो कि हीमोग्लोबिन और ब्लड काउंट को बढ़ाते हैं, इनको आपको खाना है। 2 घंटे काला तिल होता है ना, उसको भिगा के उसका पेस्ट बना के शहद और दूध में मिला करके आहा बस पी लो आप, तो बस चुटकी में आपका है ना समाधान हो जाएगा। आप है ना रात में 10 से 15 जो किशमिश डाक आती है ना, उसको भिगो के बस खा लीजिए, फिर क्या फील होता है वो बताइए कमेंट में आपको। अच्छा ठीक है, उसके बाद में ना साबुत अनाज खाइए, साथ ही जो भोजन की थाली है ना, भोजन जो लेते हैं ना, उसमें आपको है ना न्यूट्रिएंट्स रिच होने चाहिए। हाँ, कुछ आपको दिनचर्या में बदलाव करना है, क्या लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने हैं आपको, तो दिनचर्या में आप हरी पत्तीदार सब्जियां खाइए, मौसमी फल तो डेफिनेटली आपको एक लेना ही है, योग व्यायाम का आजकल भारत सरकार बहुत कह रही है ना, तो योग व्यायाम कर लीजिए, थोड़े मानसिक रूप से स्ट्रांग होइए, यस मुझे एनीमिक डेफिशिएंसी नहीं हो सकती है, ओके। उसके बाद में थोड़ा खान पान अपनाइए, जिस क्षेत्र में रहते हैं ना, एक राजस्थान के अगर या फिर भारत के किसी भी क्षेत्र में आप रह रहे हैं ना, तो उस हिसाब से खाइए पीए, क्योंकि एक एडेप्टेशन बहुत ही जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए। आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, कहीं नई जगह पे जाते हैं, उसके बाद में सबसे बड़ी चीज है जिसके बहुत कम पैसे लगते हैं और उसके बिना जीवन जी नहीं सकते हैं, वो क्या है, बहुत ज्यादा पानी पीना है और ट्राई टू अवॉइड चाय और कॉफी, ट्राई टू अवॉइड। सो ये कुछ बेसिक्स थे आपको एनीमिया के बारे में। अगर कुछ आपको जानकारी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट करिए, और ऐसे ही हम आपको है ना बहुत अच्छे अच्छे इस तरह के वीडियो हम टिप्स वाइज देते रहेंगे, और जो स्टडी चल रही है उसको भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइस। तो अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, स्किप कर देना।